आज हम आपको यूनिवर्स के सबसे बड़ी ब्लैक होल के बारे में बताने जा रहे हैं। ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा मर जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के तहत उसका कोर ढह जाता है, या ब्लैक होल कई तारकीय ब्लैक होल के टकराव और विलय से, या छोटे ब्लैक होल के विलय के माध्यम से समय के साथ द्रव्यमान के संचय से, या गैस के बड़े बादलों के ढहने से भी बन सकते हैं। गैस के बड़े बादलों के ढहने के परिणाम स्वरूप मध्यम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल बन सकते हैं, जो अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। दो अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार 1916 में अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल कई साल बाद 1967 में अमेरिकी खगोलशास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा किया गया था। ब्लैक होल शब्द की उत्पत्ति के दशकों बाद भी ब्लैक होल को केवल सैद्धांतिक वस्तुओं के रूप में जाना जाता रहा है। आइंस्टीन ने ब्लैक होल के अस्तित्व की खोज नहीं की थी, हालांकि उनका सापेक्षता का सिद्धांत उनके होने की भविष्यवाणी करता है। कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड आइंस्टीन के क्रांतिकारी समीकरणों का